नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। केंद्र की नीतियों से रोजगार दिन प्रतिदिन घट रहे हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि वर्तमान केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से रोजगार दिन प्रतिदिन घट रहे हैं। छोटे और मझोले उद्योग बंद हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर छोटे और मझोले उद्योग भारत छोड़ दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। दूसरी ओर हमारे यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान भटकने को मजबूर हैं। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कई सारे क्षेत्रों में काम करना होता है। उनके कार्यकाल से इस बात का लोगों को एहसास जरूर होगा कि उनकी सरकार की सोच और उद्देश्य क्या है, यह सरकार किस सोच के साथ आगे बढ़ेगी। ये बातें हेमंत ने झारखंड मंत्रालय से अपने आवास जाने के क्रम में खुद वाहन चलाते हुए कही है। इसकी रिकॉर्डिंग बगल में बैठी उनकी पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने की है और सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपलोड किया। देश में झारखंड अलग मायने रखता है, इसे सोने की चिड़िया कहते हैं, लेकिन इस राज्य के लोग वक्त के अनाज के लिए संघर्ष और पलायन को मजबूर हैं। पूर्व में जितनी भी सरकारें इस राज्य में बनी, किसी ने उतनी संवेदनशीलता से शासन नहीं किया। राज्य को दिशा देने की जिम्मेदारी जनता ने उन्हें 2019 में सौंपी। कोरोना लॉकडाउन के झंझावटों के बीच देश और राज्य का क्या हाल रहा सब जानते हैं। झारखंड की निकम्मी सरकार को भाजपा करेगी बेनकाब, शिवराज। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के चुनाव प्रभारियों का दौरा लगातार जारी है। शुक्रवार को चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह की मौजूदगी में घोषणा पत्र समिति, आरोप पत्र समिति, युवा व महिला मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन का ड्राइविंग सीट पर बैठना दुर्घटना ही कराएगा। भाजपा राज्य की निकम्मी सरकार को बेनकाब करेगी। बैठक के दौरान चुनावी घोषणा पत्र के बिंदुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने रामगढ़ जिले में कई सांगठनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश महामंत्री सांसद आदित्य साहू, डॉक्टर प्रदीप वर्मा, मनोज सिंह, सीपी सिंह, बिरंची नारायण, अनंत ओझा, नवीन जायसवाल, केदार हाजरा उपस्थित थे। हेमंत सोरेन के पास पर्याप्त संख्या, आसानी से सदन में हासिल करेंगे विश्वास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को विधानसभा में अपनी सरकार का बहुमत परीक्षण का सामना करेंगे। बहुमत को आमतौर पर चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन के समक्ष विधानसभा में बहुमत साबित करने को लेकर कोई बड़ी चुनौती नहीं है। इसकी वजह यह है कि सामान्य बहुमत से अधिक विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के समक्ष हेमंत ने सरकार बनाने का दावा पेश करने के साथ गठबंधन में शामिल दलों के 44 विधायकों का हस्ताक्षर युक्त समर्थन पत्र भी सौंपा है। दूसरी ओर झारखंड विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या मनोनीत सहित 82 है। 4 विधायकों ने लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद विधायकी छोड़ दी है। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की जोबा मांझी और ननील सोरेन एवं भाजपा के मनीष जायसवाल और ढुलू महतो शामिल हैं। झारखंड में 3 दिन कमजोर रहेगा मानसून, 10 से बारिश। झारखंड में 7 जुलाई से मानसून के थोड़ा कमजोर पड़ने के आसार हैं। हालांकि रविवार को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। 8 और 9 जुलाई को राज्य में आसमान साफ रहने और बारिश थमने से सूबे के तापमान में उछाल आने का पूर्वानुमान है। बता दें, राजस्थान के पूर्व उत्तर क्षेत्र से होकर बांग्लादेश तक एक टर्फ लाइन बनी हुई है। झारखंड से इसके गुजरने के चलते यहाँ घने बादल छाए रहेंगे। यही कारण है कि राज्य में कई स्थानों पर बारिश भी हो रही है। हालांकि अगले 24 घंटे बाद यह कमजोर पड़ेगा, जिससे यह बारिश में कमी आएगी। शुक्रवार को रांची का अधिकतम पारा 29.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। बारिश की बात करें तो रांची में 1 जून से अभी तक 128.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, हालांकि यह सामान्य से 47 कम है। सामान्य औसत बारिश 235.5 मिलीमीटर होनी चाहिए थी। रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 9 के बाद मानसून की स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है। एकांतवास के बाद आज दर्शन देंगे प्रभु जगन्नाथ। प्रभु जगन्नाथ स्वामी मुख्य दर्शन मंडप में विराज कर शनिवार को भक्तों को दर्शन देंगे। इसके साथ ही जगन्नाथपुर रथ मेले का शुभारंभ हो जाएगा। रविवार को रथ से भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी बाड़ी के लिए प्रस्थान करेंगे। मौसी बाड़ी में 9 दिन रहने के बाद 16 जुलाई को धूर्ति रथ मेले का भव्य आयोजन होगा।
इस धार्मिक आयोजन की जानकारी देते हुए न्यास समिति के सदस्य और सेवादार सुधांशुनाथ सहदेव ने शुक्रवार को बताया कि शनिवार को प्रातः 5 बजे मंदिर के पट खोले जाएंगे, शाम 4 बजे नेत्रदान पूजा आरंभ होगी। झारखंड के छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान जल्द। राज्य सरकार के द्वारा जिला कल्याण विभाग को छात्रवृत्ति भुगतान के लिए राशि आवंटित कर दी गई है। जल्द ही रांची जिले के सत्र 2023-24 के पोस्ट मैट्रिक के 12,245 छात्र छात्राओं को बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बैकवर्ड श्रेणी के 5721 छात्रों को 7,37,00,000 और 48,973 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। वही अनुसूचित जाति के 5719 छात्रों को 7,06,72,316 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा एससी श्रेणी के 605 छात्रों को 23,49,052 रुपये छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। बता दें, पहले चरण में सरकारी प्लस टू के छात्रों को बकाया छात्रवृत्ति का लाभ मिल पाएगा। मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे वित्त रहित स्कूली शिक्षक। वित्त रहित एवं अनुदानित इंटर कॉलेजों, उच्च विद्यालयों, संस्कृत विद्यालय और मदरसा के प्राचार्य प्रधानाचार्य एवं शिक्षक प्रतिनिधियों की बैठक शुक्रवार को सर्वोदय बाल निकेतन उच्च विद्यालय धुरुआ में आयोजित की गई। बैठक में शिक्षकों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद की। निर्णय लिया गया है कि 16 जुलाई तक उनकी मांगों पर विभाग कार्रवाई नहीं करेगा तो मोर्चा आंदोलन की घोषणा करेगा। इंटर कॉलेजों में सीट बढ़ोतरी की संचिका 18 जून से मुख्यमंत्री सचिवालय में पड़ी है। अगर इस पर अविलंब अनुमोदन नहीं हुआ तो सभी शिक्षक कर्मी स्कूल कॉलेज बंद कर रांची में धरना प्रदर्शन करेंगे। मनीष कुमार ने बताया है कि बैठक में आर पार के संघर्ष का निर्णय लिया गया है। गढ़वा के सरकारी स्कूल में 4 छात्राएं बेहोश। गढ़वा के श्री बंशीधर नगर प्रखंड के उत्क्रमिक मध्य विद्यालय कोलझिकी की 4 छात्राओं सहित 5 विद्यार्थियों के बेहोश होने का मामला प्रकाश में आया है। शुक्रवार दोपहर हुई घटना से स्कूल में अफरा तफरी मच गई। स्कूल के शिक्षकों ने घटना की सूचना तत्काल अनुमंडल प्रशासन को दी। स्कूल में ही मेडिकल टीम पहुंचकर छात्राओं का तत्काल इलाज किया। उसके बाद सभी छात्राएं सामान्य हुई। सूचना के आलोक में SDO प्रभाकर मिर्धा के निर्देश पर कार्यपालक दंडाधिकारी हंस हेम्ब्रम, थाना प्रभारी आदित्य कुमार नायक और अनुमंडल अस्पताल की DS डॉक्टर सुचित्रा कुमारी के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने आनंद फानन में स्कूल पहुंचकर बीमार बच्चियों की स्वास्थ्य जांच की। स्कूल में ही बच्चियों को सलाइन चढ़ाया गया, उन्हें दवाई दी गई। उसके बाद सभी के सेहत में सुधार हुआ है। लोहरदगा के भंडरा में MDM खाने के बाद 16 बच्चे बीमार। लोहरदगा के भंडरा प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय कुंदो में शुक्रवार को मध्याह्न भोजन खाने से 16 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें भंडरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जहां सभी छात्रों को सलाइन चढ़ाया जा रहा है। इस बीच बच्चों के बीमार होने की सूचना मिलते ही स्कूल में अफरा तफरी मच गई। स्कूल और अस्पताल में भीड़ जुट गई। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय कुमार ने फूड प्वाइजनिंग की बात कही है। बच्चों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। मामला प्रखंड स्थित राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय कुंदो का है। शुक्रवार की दोपहर 1 बजे बच्चों को भोजन में चावल, दाल, अंडा दिया गया, जिसके खाने के आधे घंटे बाद से ही किसी को चक्कर आने लगे, कोई उल्टी करने लगा, किसी बच्चों को पेट दर्द की शिकायत होने लगी, जिन्हें आनंद फानन में स्थानीय CHC लाया गया। लोबिन हेम्ब्रम की विधायकी पर मंडराया खतरा। दलीय अनुशासन तोड़ने वाले बोरियों के झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम की विधानसभा की सदस्यता खतरे में है। शुक्रवार को उनके विरुद्ध स्पीकर न्यायाधिकरण में दर्ज दल बदल के मामले में सुनवाई हुई है। लोबिन हेम्ब्रम के अधिवक्ता ने जवाब देने के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा है। बता दें, झामो की ओर से आग्रह किया गया है कि लोबिन हेम्ब्रम को और समय नहीं दिया जाए। लोबिन पार्टी विरोधी गतिविधियां में शामिल रहे हैं, उन्होंने पार्टी की सदस्यता भी त्याग दी है। हेमंत सोरेन की दाखिल याचिका पर कल सुनवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची MPMLA की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत में ईडी के समन का अवहेलना करने मामले में 6ठी बार भी पेश नहीं हुए। हेमंत सोरेन की ओर से अदालत में अपनी उपस्थिति से छूट के लिए CRPC की धारा 205 की याचिका दाखिल की गई है। उनके आवेदन पर 6 जुलाई को अदालत में सुनवाई होगी। बता दें, ईडी की ओर से हेमंत सोरेन की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रोडक्शन का आदेश दिया गया है, जिस पर सुनवाई लंबित है। पूर्व में CGM कोर्ट ने यह मामला MPMLA कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है।
विद्युत रंजन सारंगी बने झारखंड के नए मुख्य न्यायाधीश। न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी ने शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने यहां राजभवन में सारंगी को पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो के अलावा कई न्यायाधीश और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हुए। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी नियुक्ति का आदेश पढ़ा। बता दें कि 28 दिसंबर 2023 को न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली था। लातेहार पुलिस के समक्ष दो नक्सलियों ने किया सरेंडर। लातेहार पुलिस के समक्ष शुक्रवार को 10 लाख के दो इनामी माओवादी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में भाकपा माओवादी संगठन के जोनल कमांडर नीरज सिंह खरवार और सालमन गांझू शामिल हैं। बता दें पलामू DIG YS रमेश, लातेहार DC गरिमा सिंह, SP अंजनी अंजन, CRPF कमांडेंट वेद प्रकाश त्रिपाठी और 214 बटालियन CRPF कमांडेंट KD जोशी ने गुलदस्ता देकर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सम्मानित किया है। चंपाई सुरेन बोले शिक्षक नियुक्ति पत्र नहीं बांट सकने का है अफसोस। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सुरेन ने कहा है कि 5 माह के अपने छोटे से कार्यकाल में राज्य के हर व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखकर मैंने कई काम किए हैं। राज्य के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए कैबिनेट में योजनाओं को पास कराया, जनता के बीच पहुंचने का प्रयास किया और राज्य के सभी समुदायों के लिए कुछ न कुछ योजना शुरू की। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू कराई, लेकिन मुझे अफसोस है कि अपने हाथों से नियुक्ति पत्र नहीं बांट सका। शुक्रवार को वे अपने गृह जिला सरायकेला खरसावा के कांडरा गम्हरिया व आदित्यपुर पहुँचे, जहाँ समर्थकों ने उनका स्वागत किया है। CM हेमंत ने माँ बंगला मुखी मंदिर में की पूजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ लेने और पदभार ग्रहण करने के बाद माँ बंगला मुखी मंदिर में पूजा की है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को अपनी धर्मपत्नी सह विधायक कल्पना सोरेन के साथ महात्मा गांधी मार्ग रांची स्थित माँ बंगला मुखी मंदिर पहुंचकर माँ के समक्ष शीश नवाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने माँ बंगला मुखी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर समस्त राज्यवासियों की सुख शांति समृद्धि एवं उन्नति की कामना की है। बता दें माँ बंगला मुखी मंदिर रांची का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मेन रोड के किनारे स्थित है। इस मंदिर में प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। माँ बंगला मुखी मंदिर में मुख्यमंत्री ने सभी राज्यवासियों की सुख शांति समृद्धि एवं उन्नति की कामना की है। सेना भर्ती स्थल का निरीक्षण। सेना भर्ती के दौरान सभी होने वाले तैयारियों का अनुमंडल पदाधिकारी रांची उत्कर्ष कुमार एवं अपर जिला दंडाधिकारी रांची राजेश्वर नाथ आलोक द्वारा आयोजन स्थल खेलगांव का निरीक्षण किया गया। झारखंड राज्य के लिए वर्ष 2024-25 के लिए सेना भर्ती रैली 27 जुलाई से 10 अगस्त 2024 तक रांची में आयोजित होना है। सेना भर्ती रैली की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। सेना भर्ती कार्यालय रांची और जिला प्रशासन साथ मिलकर ग्राउंड और रेस्ट एरिया, मार्शलिंग, रन ट्रैक, डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल का चयन किया गया है। धन्यवाद।